तो आज मैं आपका वन पीस के एपिसोड वन का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो स्टोरी के शुरू में बताया जाता है कि काफ़ी समय पहले एक पायरेट का जो राजा था उसे पकड़ लिया गया था, और उससे उसने बताया था कि अगर तुम्हें मेरा खजाना चाहिए तो उसे तुम्हें खुद ढूंढना पड़ेगा। मैंने उसे समुद्र के बीच में ही रखा है, और जो भी उस खजाने को ढूंढ लेगा वो पायरेट का राजा बन जाएगा, और उस खजाने का नाम है वन पीस। और ये बात सुनकर सबके सब जो पायरेट होते हैं वो खजाने की खोज में लग जाते हैं। और इसी तलाश में जो हमारा मेन करेक्टर होता है जिसका नाम है लूफी, वो भी निकल जाता है खजाने की खोज में। इस सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक शिप जो समुद्र के बीच में खड़ी होती है, उसमें जो दो आदमी होते हैं वो पानी की तरफ देख रहे होते हैं, और तभी उन्हें एक ड्रम टाइप का दिखता है लकड़ी का, और वो सोचते हैं कि इसमें बहुत सारा बियर होगी, और वो उसे पानी से निकालने की कोशिश करते हैं और वो पानी से उसे निकाल देते हैं। और वो बहुत ही भारी होता है और वो सोचते हैं कि इसमें बहुत सारी बियर होगी। तभी उनमें से जो एक आदमी होता है वो देखता है कि पास में ही पायरेट्स की शिप आ गई है उन पर हमला करने के लिए, और पायरेट की शिप उन पर जो पायरेट की शिप होती है वो उन पर हमला कर देती है। और वो सब जो लोग होते हैं वो इधर से उधर भागने लगते हैं, और जो पायरेट की शिप में जो लीडर होती है वो कहती है और हमला करो। तभी हमें पायरेट की शिप में का दिखाते हैं, और वो जो लीडर होती है पायरेट की शिप वाली, वो एक लड़के से पूछती है जो सबसे छोटा जो मेंबर होता है उस पायरेट शिप में जिसका नाम होता है कोबी, वो उससे पूछती है कि बताओ इस समुद्र में सबसे सुंदर खूबसूरत कौन है। तो कोबी कहता है कि शिप की कैप्टन यानी कि आप मिस एलविदा, और जो मिस एलविदा होती हैं यानी कि जो कैप्टन होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और वो कहती हैं बिल्कुल सही जवाब। उनमें से जो पीछे से एक पायरेट होता है वो बोलता है कि मिस एलविदा इस बार बहुत ही ज़्यादा बड़ा शिकार हाथ लगाया। तो मिस एलविदा बोलती हैं हाँ बिल्कुल सही कहा, और जो पायरेट होते हैं वो और हमला करते रहते हैं, और पायरेट और हमला करने लगते हैं, और इस धमाके से जो लकड़ी का जो ड्रम होता है वो शिप के नीचे वाले कंपार्टमेंट में चला जाता है। फिर हमें दिखाते हैं कि जो एक लड़की है वो शिप के ऊपर जाकर देखती है कि पायरेट्स आ गए हैं शिप में हमला करने के लिए, और वो पायरेट्स उनके शिप पर हमला कर देते हैं और सब को पकड़ने जाते हैं, और वो पायरेट्स उनके शिप पर आकर सबको पकड़ने जाते हैं, और जो कोवी होता है वो डर के मारे वहीं खड़ा होता है। जो तो मिस एलविदा उससे कहती हैं कि तुमने मेरा ऑर्डर नहीं सुना क्या, तो वो कहता है कि मुझे अभी डर लग रहा है। तो जो मिस एलविदा होती हैं वो कहती हैं कि तुम्हें यहाँ से वहाँ जाना पड़ेगा और मेरे लिए कुछ लाना पड़ेगा वहाँ से लूट के, और वो कोबी को वहाँ जो मर्चेंट की जो शिप होती है व्यापारियों की जो शिप होती है वहाँ पर फेंक देती है, और वो खुद भी वहाँ पर चली जाती है, और यहाँ पर सभी लोगों को पायरेट्स होते हैं वो पकड़ लेते हैं, और वो उनसे कहते हैं कि हम तुम्हें कुछ भी मारेंगे नहीं और कुछ भी नहीं करेंगे, तुम हमें बस अपना सब कुछ जो भी तुम्हारे पास लूट है वो सब हमें दे दो, तो हम तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे, और अगर तुमने मना किया तो हम इसे समुद्र में तुम्हें फेंक देंगे। और यहाँ पर दिखाते हैं कि जो मर्चेंट शिप की जो एक लड़की होती है वो पायरेट्स से बचते हुए मर्चेंट वाली शिप से पायरेट वाली शिप में चली जाती है, और उसे वहाँ पर एक पायरेट मिलता है और वो उसे एक लात मारकर उसे बेहोश कर देती है। और जो हमारा कोवी होता है वो मर्चेंट वाली शिप में कुछ ढूंढ रहा होता है ताकि वो मतलब उसे मिस एलविदा को दे सके, और तभी उसे वो लकड़ी का जो ड्रम होता है वो दिखता है, और वो उसे वो सोचता है कि मैं इसे मिस एलविदा को इसे दे दूंगा, और वो उस ड्रम को लेके जा रहा होता है। तभी जो मिस एलविदा के और जो लोग होते हैं वो वहाँ आ जाते हैं, और वो कहते हैं कि हम इसे ले जाएंगे। उन पायरेट लोग में से जो एक होता है वो कहता है कि इस ड्रम को फोड़ कर देखते हैं, और उसमें देखते हैं कि क्या पता इसमें जो लोग हैं उनने कुछ छुपा के रखा हो, कुछ बहुत ही ज़्यादा कीमती। तो जो एक उसमें से होता है वो उसे पंच करने ही वाला होता है, और उसमें से लूफी निकलता है, और जो उसका पंच होता है
वो एक जो पायरेट जो पंच करने वाला होता है उसके मतलब मुंह पर लग जाता है, और वो जो पायरेट होता है वो बेहोश हो जाता है। और जो हमारा जो लूफी है वो कहता है कि आज बड़े दिनों बाद मस्त नींद आई। तो ये देखकर जो दो पायरेट और जो कोबी होता है वो तीनों के तीनों शॉक हो जाते हैं कि उसने एक ही पंच में वो पायरेट को हरा दिया। और जो लूफी होता है वो उनसे पूछता है दो पायरेट से कि तुम लोग कौन हो। तो वो पायरेट होते हैं वो कहते हैं कि पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो। और जो वो पायरेट होते हैं वो उसकी तरफ अपनी जो वो होती है तलवार उससे हमला कर देते हैं। और जो कोबी होता है उसे लगता है कि अब वो नहीं बचेगा और वो मर जाएगा। कोबी अपनी आंखें बंद कर लेता है, और जो तब बाद में जब वो कोबी अपनी आंखें खोलता है तब तो वो देखता है कि वो तो अभी भी जिंदा है। और जो वो देखता है कि जो दो जो पायरेट थे उनके जो तलवार हैं वो कट गई हैं, मतलब बीच में से कट गई हैं। तो दो जो पायरेट होते हैं वो उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो हमारा लूफी होता है वो कहता है मंकी डी लूफी। और इसी के बाद जो पायरेट होते हैं वो अपने दोस्त को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। और जो कोबी होता है वो बहुत ही शौक हो जाता है, और वो जो लूफी होता है उसे कहता है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी यहाँ से भागना पड़ेगा वरना वो सब तुम्हें मार देंगे। और जो लूफी होता है वो हंसने लगता है और वो कहता है कि मुझे पहले अपना पेट भरना है। और वो शिप के नीचे वाले जो रूम होता है उसमें चले जाते हैं दोनों के दोनों। और वहाँ पर जो एप्पल्स होते हैं वो लूफी खाने लगता है और वो कहते हैं ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। कोबी उससे कहता है कि तुम्हें यहीं रहना है वरना वो लोग तुम्हें को मार देंगे। और जो कोबी होता है वो लूफी से कहता है कि मैं हूँ कोबी और तुम लूफी हो ना। और लूफी कहता है हाँ, और वो सेब खा रहा होता है। और कोफी कहता है कि इस शिप पर मिस एलविदा जो पायरेट है उनने हमला कर दिया है और इसे कब्जे में ले लिया है। तो लूफी एप्पल खा रहा होता है और वो कहता है कि तो कोबी कहता है क्या तुम्हें डर नहीं लगता। तो जो लूफी होता है वो हंसते हुए कहता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा डरपोक हो। कोबी लूफी से पूछता है कि तुम उस लकड़ी के मतलब ड्रम में क्या कर रहे थे। तो लूफी कहता है कि मेरी बोट टूट गई थी इसलिए मैं उसमें मतलब बंद हो गया था बचने के लिए। और जो लूफी होता है वो कोबी से पूछता है कि तो तुम क्या पायरेट के साथ ही हो। तो कोबी जो होता है वो बोलता है कि मैं साथ ही तो हूँ पर मुझे मिस एलविदा ने ज़बरदस्ती पकड़ लिया था। कुछ साल पहले जब मैं अपनी बोट से मछलियाँ पकड़ रहा था तभी जो मिस एलविदा हैं उनने मुझे अपनी पायरेट गैंग के साथ पकड़ लिया था, और मुझे भी उनके साथ जो है पायरेट बन के रहना पड़ता है, पर मैं एक नेवी ऑफिसर बनना चाहता हूँ। तो जो लूफी है वो कहता है नेवी। कोबी जो है वो कहता है हाँ, जब मैं नेवी ऑफिसर बन जाऊँगा तब मैं तुम्हें भी पकड़ लूँगा और तुम्हें जेल में डाल दूँगा। और जो लूफी है वो हंस रहा होता है। तो जो कोबी होता है वो लूफी से पूछता है क्या तुम पायरेट हो। तो जो लूफी है वो कहता है हाँ, मैं एक समुद्री लुटेरा हूँ। तो कोबी ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। वो कहता है कि तुम इतने छोटे और तुम पायरेट नहीं हो सकते। और वो उससे बहस करने लगता है कि तुम पायरेट नहीं हो सकते और तुम पायरेट के राजा तो बिल्कुल ही नहीं हो सकते। जो लूफी होता है वो उसे एक पंच मारता है और वो कहता है कि मैं पायरेट का राजा बनने वाला हूँ उस वन पीस को खजाने को लेने के बाद। तो लूफी बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। फिर तभी ऊपर से एक धमाका होता है और जो मिस एलविदा हैं वो आ जाती हैं वहाँ पर, और वो कहती हैं क्या यही वो मॉन्स्टर वाला लड़का है। तो जो पायरेट होते हैं वो कहते हैं हाँ मिस, यही है वो मॉन्स्टर वाला लड़का। तो जो मिस एलविदा होती हैं वो उससे पूछती हैं लूफी से कि बताओ इस पूरे समुद्र में सबसे ज़्यादा सुंदर कौन है। तो जो हमारा जो लूफी होता है वो कहता है कि ये मोटी कौन है। तो ऊपर से एक पायरेट बोलता है अब तो ये गया। और जो मिस एलविदा होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं और वो उसे मारने वाली होती हैं, पर वो बच जाता है और वो ऊपर की साइड चला जाता है। और सारे के सारे पायरेट उस पर हमला करने आते हैं पर वो उन्हें भी मार देता है। और पीछे से बहुत सारे पायरेट और आते हैं तो वो वहाँ से भागता है। और जो उसका जो हाथ होता है वो उसे एक जगह पर फंसा कर और आगे की साइड भागता है। तो उसका हाथ जो है वो रबर की तरह होता है, तो उसका हाथ जो है बहुत ही लंबा हो जाता है। और लूफी बोलता है रॉकेट पंच, और वो सारे के सारे जो पायरेट होते हैं उन सबको मार देता है। तो जो कोबी होता है वो उससे पूछता है कि तुमने ये कैसे करा।
तो लूफी बोलता है कि मैं तो रबर का हूँ। तो पीछे से जो मिस एल्विडा हैं वो आ जाती हैं और वो कहती हैं कि क्या तुमने वो डेविल फ्रूट खाया है। तो जो लूफी वो होता है वो कहता है कि हाँ मैंने उसे खाया था। मिस एल्विडा होती हैं वो कहती हैं कि मैंने बस ये सुना था पर कभी यकीन नहीं करा था। तो जो मिस एल्विडा होती हैं वो लूफी से पूछती हैं क्या तुम भी कोई पायरेट हो। तो लूफी बोलता है हाँ मैं भी एक पायरेट हूँ और मैं समुद्री लुटेरा हूँ और वन पीस को ढूंढकर मैं समुद्री लुटेरे का राजा बन जाऊँगा। ये बात सुनकर जो मिस एल्विडा होती हैं बहुत ही देर तक हंसने लगती हैं और उससे पूछती हैं कि तुम्हारे पास कोई मतलब पायरेट की गैंग है। तो लूफी बोलता है अभी तक तो नहीं है, कम से कम मुझे 10 लोग तो चाहिए। तो तभी जो कोबी होता है वो लूफी से कहता है कि यहाँ से भागो वरना ये तुम्हें मार देगी। और तभी जो कोबी होता है वो सोचता है कि लूफी ने उसे कैसे बताया था कि वो समुद्र का मतलब राजा बनना चाहता है और वो वन पीस को ढूंढ कर ही रहेगा चाहे उसकी जान चली जाए। तो जो कोबी होता है उसके अंदर हिम्मत आती है और वो जो जो मिस एल्विडा होती है उनसे कहता है कि चल हट मोटी। और ये सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं और जो मिस एल्विडा होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं। और जो लूफी होता है वो बहुत ही ज़्यादा हंस रहा होता है इसे सुनकर। और तभी जो मिस एल्विडा होती हैं वो कोबी पर वो अपने उससे जो उनका जो हथियार होता है उससे मारने जा रही होती हैं। तभी जो लूफी होता है वो उसके सामने आ जाता है और लूफी हंस रहा होता है। वो कहता है कि मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं, मैं तो रबर का बना हुआ हूँ। तो सब लोग बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं। फिर जो लूफी है वो अपना जो हाथ होता है उसे बहुत ही लंबा सा खींच लेता है रबर की तरह और वो जो मिस एल्विडा होती है उन्हें मारने के लिए आता है। अब वो बोलता है पिस्टल पंच और वो मिस एल्विडा को हवा में उड़ा देता है। और जो एक और जो पायरेट होता है जो पानी में होता है वो जो मिस एल्विडा का ही साथी होता है वो पानी में होता है। और तभी वो देख रहा होता है ऊपर आसमान की तरफ। वो कहता है कि आसमान तो बहुत ही नीला है। और तभी मिस एल्विडा उस पर आकर गिर जाती हैं। तो तभी वहाँ से कोई हमला करता है और वो वहाँ दोनों के दोनों वहाँ पर देखते हैं लूफी और कोबी। और वो देखते हैं कि जो नेवी ऑफिसर्स हैं वो आ गए हैं। तो जो लूफी होता है वो कहता है कि मैं तो जा रहा हूँ क्योंकि मैं एक समुद्री लुटेरा हूँ। अब वो कोबी से कहता है कि तुम यहीं रहो और उनके साथ तुम भी नेवी ऑफिसर बन जाना। तो जो कोबी होता है कि नहीं वो मुझे भी वो जो कोबी होता है वो कहता है कि वो मुझे भी पकड़ के लुटेरा समझ के पकड़ लेंगे। जो लूफी होता है वो अपनी एक बोट निकालता है और वो लूफी और कोबी वहाँ से निकल जाते हैं। तभी वहाँ पर वो वाली लड़की दिखती है जो बोट से ही जा रही होती है, वो ही वाली लड़की जिसने उसे लात मारी थी उस पायरेट को। और बताते हैं कि जो लड़की है उसने जो पायरेट वाली शिप का सारा खजाना जो है वो चुरा कर जा रही होती है बोट से। और वो उन दोनों को देखती है, लूफी और कोबी जो होता है उन दोनों को वो देखती है। तो कहता है लूफी भाई, तो जो लूफी होता है वो कहता है कि हाँ हाँ बोलो। तो जो कोबी होता है वो कहता है कि तुम्हें ग्रैंड लाइन के पार जाना होगा और उसे पायरेट्स का कब्रिस्तान भी कहते हैं। तो जो लूफी होता है वो कहता है हाँ मुझे इसलिए तो अपने 10 कम से कम मेंबर्स की ज़रूरत है। तो जो लूफी होता है वो कहता है कि तुमने बॉन्टी हंटर के बारे में सुना है, वो कैसा रहेगा। तो जो कोबी होता है वो बोलता है शायद वो नेवी के कब्ज़े में है। तो जो लूफी होता है वो कहता है तो वो बहुत ही कमज़ोर है। तो जो कोबी होता है वो बहुत ही शौक होकर वो बोलता है कि नहीं नहीं वो एक शैतान है और उसे बहुत ही मुश्किल से बंद करके रखा है। तो जो लूफी होता है वो कहता है तो मुझे उसे मतलब उसे वहाँ से लाकर अपनी गैंग में शामिल करना ही होगा। और इसी के साथ हमारा जो एपिसोड है वो होता है ख़त्म। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना और अगर नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना। और अगर आपको और कोई सा एनीमे की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो भी आप अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।